हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम आ चुका है और DSEO से रिलेटेड मैंने वीडियो स्टार्ट करा था और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि इस बार का एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। और काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा इस बार CUET के अकॉर्डिंग होने वाला है एडमिशन DSEO में। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हूँ पर कोई ना, चलता है। तो होप आप सब ने CUET का फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, मैं यही कामना करता हूँ आपसे। तो चलिए आइए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है CUET का, उनके बारे में भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे चलते हैं DSEO के। तो आप देख सकते हो DSEO.ac.in वाले वेबसाइट पे डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया है कि CUET UG और PG के लिए 2023-24 में एडमिशन होगा CUET के अकॉर्डिंग। तो आपको बता दें, इस बार आपको CUET के ही अकॉर्डिंग पे होगा। तो जैसे आपको DU जो लोग टारगेट कर रहे थे, जैसे जामिया टारगेट कर रहे थे, GNU जो भी यूनिवर्सिटी है उसको आप लोग टारगेट कर रहे थे, तो DSEO को भी आप इसी में ये कंबाइन करके चलिए। अगर जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, अगर CUET का किसी को छूट गया है, तो आप बेफिक्र रहिए, CUET के अलावा इनका ऑफिशियल साइट पे आएगा ये फॉर्म। और इस बार हो सकता है इन्होंने अलग से कहीं जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं किया हो तो उनका एडमिशन अलग से होगा, और मेरे ख्याल से होना चाहिए क्योंकि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने भी बोला था कि CUET से लूँगा, पर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, CUET से भी लूँगा और अपना खुद से फॉर्म भरेंगे उनका भी लूँगा। तो आप देख सकते हैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में भी DSEO का नाम आता है। तो आप सामने देख सकते हो DSEO भी है। तो आप भी फिक्र रहिए, अगर जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है CUET का, तो DSEO का आप फिलअप कर सकते हैं। वो लोग ऑप्शन देंगे क्योंकि न्यू यूनिवर्सिटी है, सीटें फुल हो नहीं पाती है। CUET से ज़्यादा लोग टारगेट आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी करते हैं, ज़्यादातर DU के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा जाती है। तो होप जल्दी ही चालू हो जाए। और इसमें DSEO में आपको स्किल बेस्ड कोर्सेस होती हैं, लाइक BBA, BCA, BBA में बहुत सारे वेरिएशन है और BBA में बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप देख सकते हो सामने, और अच्छी अच्छी कोर्सेस है इसके अंदर। मैं भी एक्सपीरियंस ले चुका हूँ और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स रहेगा। और 2 साल हुआ है इसको स्टार्ट हुए, तो आप 3रे साल के लिए आप एडमिशन लोगे DSEO में। तो ये कोर्सेस हैं, आप देख सकते हो। तो यही होने वाला है टोटल एडमिशन प्रोसेस। और आपको जो भी इसमें डोमेन मांगा गया है, जनरल टेस्ट हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, आप उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, ये CUET वाले ऑफिशियल साइट जो CUET.summer.ac.in वाले वेबसाइट है उसी पे जाना होगा। और आपको इम्पोर्टेंट डेट भी मालूम ही है, 21 से 28 मई तक आपका पेपर होने वाला है और 30 अप्रैल को आपको CT अलॉट कर दिया जाएगा कि कब से कब पेपर है। और आप कमेंट भी किया कीजिए कि कौन कौन सा वीडियो आपको चाहिए होगा। मैं बस इसका ओवरव्यू बता रहा था कैसे एडमिशन होने वाला है DSEO का। फिर जैसे जैसे होगा मैं वीडियो अब अपलोड करते रहूँगा, और पिछले साल के जो भी आपके सीनियर हैं उनसे भी इंटरेक्ट होते रहते हैं, और बहुत सारे सीनियर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट है, तो बातचीत होती रहेगी। तो यही है। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके बताइए, और मेरा कोशिश रहेगा DSEO से रिलेटेड और भी जितने यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा इस बार प्रॉपर आपको गाइड दे पाऊँ। और लास्ट ईयर जैसे सबका लास्ट तक मैंने गाइड किया था, इस बार भी होपफुली मैं गाइड कर पाऊँगा। तो चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।